जय साई राम दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको किसी की रिक्वेस्ट पर एक अच्छी रेसिपी देंगे, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना। आज हम आपको ट्रिक बाई ट्रिक हम आपको उसमें बताएंगे। और आज हम आपको केक बनाना बताएंगे ऑरेंज फ्लेवर में, और किसी की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। और अभी तक प्रियंका गुप्ता की चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना। और चलो आपको हम बनाना बताते हैं, चलते हैं। और आपको कैसा लगेगा केक का वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। चलो ऊपर चलते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर सुबह का समय हो गया था, मेरी मॉर्निंग से ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। करीबन 9 बज रहे हैं, मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे को भी नहला कर रेडी कर दिया है, वो खेलना है। और यहाँ पर वो इस समय का है कि उठो, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह पीने के बाद फिर क्लीनिंग करो। क्लीनिंग करने के बाद नहा कर बस पूजा करो, लंच बनाओ। और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली, देखो इनको तैयार करता है, ये खेल रहे हैं। केक की सारी सामग्री है, केक की तैयारी कर रही हूँ। और किसी के रिक्वेस्ट पे वो बच्चे को खाना है इसलिए मैं केक बना रही हूँ, ऑरेंज केक। यहाँ पर थोड़ा नमक, दूध, ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल, वनीला एसेंस, ऑरेंज फ्लेवर और सोडा, बेकिंग सोडा और केला, थोड़ा नींबू और चीनी और चीनी और मैदा और ड्राई फ्रूट्स। आप ट्यूटी फ्रूटी हो तो वो भी डाल सकते हो, हमारे पास नहीं थे इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। और चलो अब आपको बनाना बताते हैं। ये ऑलिव ऑयल है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। और यहाँ पर मैं तेल ऑलिव ऑयल में ही बना रही हूँ। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने तेल ले लिया है, आप इसी चीनी भी ले सकते हो, आप खड़ी भी चीनी ले सकते हो। एक बर्तन मैंने ऑलिव ऑयल तेल ले लिया है और एक डिक्कन या कटोरी मैंने चीनी ले ली है, अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और फिर यहाँ पर जो मैंने खड़ी चीनी ली है इसलिए मैं इसको तेल में ही घोल लेंगे, उसको इस तरह से घोल लेना है। आप फीसी चीनी भी ले सकते हो। यहाँ पर ये वनीला एसेंस बताया, ये बॉयल किया हुए पका हुआ एक केला है। और आपको एक मैदा लेना है एक कटोरी, कटोरी में बेकिंग पाउडर और सोडा डालना है और उसको आप छान लेना है। मेरा छना हुआ है और मैंने उसको छान कर मिक्स कर लिया है। फिर एक बॉयल केला लेना है, उसको आपको पूरा हुआ बारीक कर लेना है, जो आपने चीनी और तेल करा हुआ था ना, घोर कर रखा हुआ था, उसमें आपको बनाना डाल देना है। थोड़ा सा आपको नींबू डाल देना, उसमें थोड़ा सा ना आपको नमक डाल देना, वनीला एसेंस डाल देना है, फिर उसको मिक्स कर लेना। फिर ऑरेंज फ्लेवर का आता है तो आपको ऑरेंज फ्लेवर डालकर उसको मिक्स कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर मिक्स हो जाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा कर मैदा को ऐड करते हुए आपको उसको मिला लेना, एक ही डायरेक्शन में ही मिलाना है। फिर उसको अच्छी तरह से, फिर थोड़ा आपको दूध डाल लेना है, कम 2-3 चम्मच दूध डल जाएगा। फिर उसमें थोड़ा दूध डालकर उसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। एक अच्छी तरह से मिल जाए तो आपको उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। हमने बादाम और किशमिश डाली हुई है, आप और भी फ्लेवर डाल सकते हो। फिर उसको मैं ज़्यादा नहीं, उसको आपको मिलाना है, थोड़ा ही मिलाना है। फिर मिलाकर एक बर्तन में आपको घी या बटर लगा लेना, जिसमें आपको केक बेक करना है। फिर उसमें मैदा डालकर और उसके चारों तरफ से कोटिंग कर देना है इस तरह।
फिर एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई पे आप तो या जाली रख सकते हो या तीन चार दिया रख सकते हो या कटोरी या प्लेट रख सकते हो। हमने दो बता दिए हैं, मैंने जाली रख ली है, उस पर मैंने थाली ढक दी जिससे वो मीडियम आंच पर गर्म हो जाए। फिर आपको जिसमें आपको बेक करना है उसमें आपको केक का बैटर को डाल देना, बैटर को डालकर थोड़ा आपको रब करना है जिससे इसके जो बबल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर आपको उसको ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स और डाल दिए हैं, आप नीचे भी डाल सकते हो। फिर आपको टूटी फूटी आती है तो वो भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर आपको बेक करने के लिए मैंने उठाया है और बेक फिर उस कढ़ाई के अंदर रख देना बेक होने के लिए। फिर एक बर्तन या थाली ढक देना है, इसको अच्छी तरह से बेक होने देना है मीडियम आंच पर। आधा घंटा लग जाएगा और बीच बीच में मैंने बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। और ये मेरा केक बेक हो गया है और देखो कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बड़ा टेस्टी लगा था। फिर आपको हम बताते हैं कि एक एक कच्चा है क्या पक्का है। देखो यहाँ तक पूरे अच्छी तरह से बेक हो गया है। यहाँ केला डालने से ये होगा कि जो अंडा नहीं खाता है ना वो केला, नींबू या दही का प्रयोग कर सकता है, सो वो अंडे का ही काम करता है। और पिसी चीनी की जगह खड़ी चीनी डालो तो उससे और ज़्यादा केक सॉफ्ट आता है, इसलिए मैंने खड़ी ही चीनी डाली है। और खड़ी चीनी से बहुत अच्छा केक बेक होता है और सॉफ्ट होता है, इसलिए जो भी केक वगैरह बनाते हैं वो पिसी चीनी की जगह खड़ी चीनी का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हमने दोनों ट्रिक्स आपको बता दी हैं। यहाँ पर मेरा केक बेक हो गया, ठंडा कल निकाल लिया है और ठंडा हो गया है, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आपको डेकोरेट कर बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में केक लिया है, उस पर हमने चॉकलेट ऊपर से डेकोरेट किया है, ऊपर से मैंने डाल दी है, बस मैंने इतना ही सजाया है। ये मेरा केक बनकर तैयार है। यहाँ पर बेटे आ गया मुझे खाना है, तो वो अपना केक काटने लगा है। रुक जा, यहाँ पर हमने टीवी भी हो गई है, देखो तो मेरा लगातार भी चला रखे हुए हैं तो इतनी आवाज़ आ रही है मोबाइल की। और यहाँ पर हमने केक कट कर लिया है और अपने हाथ से खा लेते हैं। और मम्मा तो मैं जरूरत ही नहीं है, फिर मैंने थोड़ा सा तोड़ के खिला दिया। केक कटा तो उसका बर्थडे था ना, टू यू लगा रहता है, तो चलो हमने कही वो जिद करने लगा। फिर एक किसी की रिक्वेस्ट आ गई थी, समझ गई चलो आप लोगों को इसकी रेसिपी देते हैं, बच्चे भी खा लेगा। और इसके जन्मदिन का वीडियो डाल दिया, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्रियंका गुप्ता किचन ऐप पर जाकर देख लेना। तो आप इसके बर्थडे का भी मैंने किस तरह से सेलिब्रेशन किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो हम केक आपको बता रहे हैं कितना मुलायम और सॉफ्ट बना हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने प्लेट में ले ली है, हम आइसक्रीम के साथ केक खाएंगे। यहाँ पर मैंने बेटे और हस्बैंड के लिए लगा दी है, ऊपर से हम आइसक्रीम डालेंगे। और ये पीनट बटर आता है तो पीनट बटर और चॉकलेट डालकर हम उनको सर्व कर रहे हैं, और खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। हम एक दूसरी बार आपको पुडिंग की रेसिपी बताएंगे, वो भी बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम के साथ खाने में। और यहाँ पर तो मैंने केक के साथ खा रही हूँ, केक के साथ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है आइसक्रीम, डालकर आप लोग भी खाना। ये चलो फिर मैं यहाँ पर देखो ये आपको सारे जो ट्रिक्स थी मैंने बता दी हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। और ये वीडियो एक केक का वीडियो कैसा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैंने बना लिया है, आया आपसे बोल रहे हैं कि आ जाइए आप लोग भी केक आइसक्रीम खा लीजिए। और मेरा पूरा केक बनकर तैयार है और यहाँ पर मेरे बेटे खा रहे हैं, और यहाँ पर फिर मैं भी लेकर आ गई थी सो मैं भी खा रही हूँ। और बस यही था, यहीं तक का वीडियो था, कुछ और तो था नहीं, बस वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा और बड़ा टेस्टी लगा था, ये बोल रही हूँ। बाय, आज का वीडियो यहीं तक का था, अगले वीडियो में फिर जल्द मिले एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आपका केक वाला वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इनकी कार्यस्थानी शुरू है, इतने उदम मचाते रहते हैं। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, अगले ब्लॉग में फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
और आपको, आप चैनल पर नए हो अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना और बेल आइकन बटन को जरूर बजा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो बाय बाय।